फाइटिंग फाइटिंग खेलते हैं, डेट सेट उनको कबड्डी कबड्डी फाइटिंग के अलावा कुछ नहीं आता। और फिर उन दोनों में से ना एक रोता है। ऐसा करके हमने अप्लाई किया, फोरहेड पे भी अप्लाई करें बट अभी मैं नहीं कर रही। गुड मॉर्निंग दुनिया वालों, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज ही संडे और इस टाइम टाइम बज रहा है हमारे यहाँ 11:30 सुबह सुबह। अफाम साहब जो है ना उठ के बैठ गए हैं, और ये देखें अफाम को लग रही है भूख बहुत ज़्यादा वाली। अफाम से सबर नहीं हुआ, अफाम फ़ौरन से उठे हैं और नाश्ता करने शुरू हुए। वेट अफाम वेट, और अफाम ने मुझे उठाया सबसे पहले कि मामा उठ जाए, हम हंगरी। रात को जल्दी सो गए था, खाना भी नहीं खाया था इसने रात का। अभी हो रहा है अफाम का ब्रेकफास्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे देख रहे हैं अफाम टीवी। You know hug बाबा? Yeah, I'm hugging now. Where is बाबा? I'm hugging. Huh? Are you sure? Yeah. That's very good. A few moments later. मुझे पता था आ रही है। पता था आ रही है। Sorry, I mean silent पे था। Silent पे था फोन मेरा यार। अल्लाह हाफिज। कम चुप, मक्की क्या ला रही है? ला 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 ला, भगा उसको, भगा, अंदर नहीं आनी चाहिए मक्खी ना, अंदर नहीं आनी चाहिए, दुनिया अंदर आ जाए मक्खी अंदर ना। लाओ वकार मुझे कॉल पे कॉल कर रहे होते, मेरा मोबाइल एनी टाइम हर वक्त जो ना साइलेंट पे पड़ा होता है, मुझे याद नहीं आती है। वो बेचारे गर्मी से घर के अंदर आके उन्होंने मुझे फोन दिखाया कि देखो मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। इतनी सड़ी गर्मी है ना बाहर, तो बेचारे बोलते हैं कि एक सेकंड के लिए ना गाड़ी में भी नहीं बैठा जा रहा, इतनी ज्यादा गर्मी है। हमारा नाश्ता वास्ता हो गया और वो वकार भी चला गया ऑफिस। इनको मैंने चंपी शंपी भी कर दी दोनों को, ताकि लोग अब नहा लें आराम से। स्कूल डेज में ना इंसान ऑयल नहीं लगवा सकता। कहाँ से मिल गया? मैंने इतना छुपा के रखा था, पता नहीं कहाँ से मिल गया इसको। नो नो नथिंग नो, आई एम जस्ट टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स। अरे व्हाट? क्लोज योर आईज। ओके क्लोज। बट सुपर मारियो। वाओ, लेट मी टेक पिक्चर। वाओ यस, हेलो सुपर मारियो, हाउ आर यू? वकार असमत के काम, ये वकार असमत का टॉवल जो इस घर में भी एनी टाइम कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। दस दिन मैं कभी भी टॉवल यूज नहीं करती, ना शॉवर के बाद ना फेस वॉश के बाद। बचा है ना पराठा, देखो ये देखो अंडा भी बचा दिया। बेटा मौज कर दी शराफत से, पूरा करो। मैं बोल रही थी बेटा वेट करो, बस मेरा गोश्त गल जाए। गोश्त नहीं मेरा गल नहीं रहा, पता नहीं क्या मुसीबत हो गई गोश्त को। आज इतनी देर से रखा हुआ घट्टा हो गया, अभी तक गलने का नाम नहीं ले रहा यार। ढीट हो गया तुम, ढीट उन लोगों की तरह जो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते ना, उनकी तरह ढीट हो गए हो। कल से मैंने माल्टास रखे हुए कि मैं खाऊंगी, अब फाइनली मैं खा लेती हूँ पहले। चलो 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 बेटा, तुम्हारी बारी आ गई मेरे पेट में जाने के लिए। चलो चलो चलो, वर्क टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम सैटरडे संडे खत्म, अब है जी स्कूल टाइम। हम कर रहे हैं वर्क क्योंकि अभी छुट्टियां जो है ना खत्म हो गई हैं। आज है जी संडे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि संडे, कहीं से नहीं लग रहा कि संडे। अल्लाह के वास्ते सैटरडे और संडे की छुट्टी ना दिया करो, क्योंकि हमारा सैटरडे संडे भी घर के अंदर ही पड़े पड़े सड़े रह जाता है, तो फिर क्या फायदा ऐसे सैटरडे और संडे का अचार डाले हम ऐसे सैटरडे संडे का। बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे आज, हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हमारे ऐसा लग रहा है आज मंडे है जी। एक्सक्यूज मी, यस। अरे हमको तो दिखाई नहीं, चलो आओ मैं दिखाती हूँ। मेरा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह गल गया था, फिर गोश्त गलने के बाद मैंने उसमें डाले थे पोटैटो डाल दिए थे, और अब चलो मैं दिखाती हूँ। लेट्स गो। ये देखो मेरा व्हाइट पुलाव रेडी है, अच्छे से गल गया था हमारा गोश्त जो है ना, फिर आलू भी हमारे सब गल गए थे, सब कुछ हमने गला दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अब हम इसको बंद करते हैं चूल्हे को। ये देखो हमने रायता भी बना लिया था, आज खेला था आज यहाँ पे कुश्ती कबड्डी होती ना वो खेलते हैं दोनों। देखो जरा क्या हाल, कैसी पूरा दिन लग जाए सफाई करने में। जब अलीराज और अफाम जो है ना कबड्डी खेलते हैं, लोगों के बच्चे जो है ना वो क्रिकेट खेलते हैं और हाइड एंड सीक खेलते हैं, ये चीजें खेलते हैं ना लोगों के बच्चे, और मेरे बच्चे जो है ना फाइटिंग खेलते हैं। डेट सेट उनको कबड्डी फाइटिंग के अलावा कुछ नहीं आता। और फिर उन दोनों में से ना
एक रोता है एंड में, या तो अफाम रोता है, अगर अफाम नहीं रोता तो अली राजा जो है ना वो मुझसे पिटके रोता है। दोनों ने मैं सीखी एक ना रोना रोना मस्त खेलने के बाद। तो ये हाल करते हैं घर का ही लोग सारा दिन, और फिर छुट्टी का दिन भी छुट्टी का दिन ना लगे तो सोचो दुनिया वालों कितना सख्त गुस्सा आएगा कोई मुझे। इतनी मुझे आज मेरा दिमाग घुमा हुआ है ना कि मैं बस पूछो नहीं। तारान तो मैंने जो है ना अपना खाना निकाली, अब मैं खाना खाती हूँ फटाफट से। बजने वाले 10 बजने वाले ऑलमोस्ट, 9:30 तो हो ही गए, तो भी वकार अभी तक नहीं आए। मुझे लगा था जाएंगे फौरन से आ जाएंगे। तो चल अफाम साहब जो है नींद में आ चुके हैं अभी, वो बैठ गए सोफे के ऊपर, लेट गए। उन्होंने कहा आज मैं यहीं सोऊंगा मम्मा, सोफे पे सोऊंगा। तो सोफे पे सोने की उनकी तैयारी हो गई अफाम की। हम खाते खाना, अफाम ने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है बड़ी। सोने के लिए आपको चाहिए तो आप सो जाओ जल्दी से। ये पॉन्ड्स की क्रीम, बहुत ही जबरदस्त क्रीम है ये, इसको आप लगाओ रात के टाइम। और अगर आपका किचन का काम खासकर खत्म हो चुका है, आपको चूल्हे के पास नहीं जाना, आपको लगता है कि अब आपको चूल्हे के पास नहीं जाना, आपके सारे काम हो चुके हैं, तो आप इस क्रीम को लगाओ, इसकी क्लींजिंग करो हल्की सी। पहले क्लींजिंग करो आप उस क्रीम के साथ, और उसके बाद इस क्रीम को आप अप्लाई करो, और उसके बाद सो जाओ सुकून की नींद। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी क्रीम है ये। इसमें है जी ये है जी वो क्रीम, नेचुरल हाइड्रो बूस्ट क्रीम है ये। लेकिन अगर आपके भी स्किन नॉर्मल है, ना ऑयली है ना ड्राई है, तो आप ये वाली क्रीम रात में यूज करो, ये बहुत बेस्ट है ये। तो मैं इसको अप्लाई करती हूँ, और उसके बाद क्लींजर जिसको मैं लगा कर क्लींजिंग करती हूँ फेस की, अपने फेस। और जो पॉन्ड्स की ये क्रीम है ओवरनाइट रिब्लिन शाइन क्रीम, और ये जो है ना पूरी रात आपके फेस को मॉइस्चराइजर का काम देती है ये। उससे आपको क्लींजिंग करनी है, और इससे जो है ना ये जो है ना आपको अप्लाई करके और सो जाना है उसके बाद। तो ये वाली क्रीम मैं करती हूँ अप्लाई अपने फेस पर आप लोगों के सामने। अभी जो है ना ऐसा किया ये सारी चीजें आपने की, ऐसा करके हमने अप्लाई किया। फोरहेड पे भी अप्लाई करें, बट अभी मैं नहीं कर रही, वरना मैं ना तैयार होने से पहले जो है ना ये लगाती हूँ क्रीम। एंड थ्री, सिर्फ ओनली टू फिंगर हम यूज करेंगे, सिर्फ दो फिंगर, थ्री टाइम यहाँ से, थ्री टाइम, 1 2 एंड। तो ये हो जाएगा आपका क्लींजिंग फटाक झटाक फटाक से। आप अपना ख्याल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, कोई और तो है नहीं जो आपका अपना ख्याल रखेगा। तो इसलिए खुश रहो और अपना ख्याल रखो। टेंशन है तो आती है, टेंशन है तो चले जाती है, इंसान भी आते हैं और इंसान भी चले जाते हैं। तो बेहतर जब आना जाना लगा हुआ ये दुनिया में, तो इस आने जाने में क्यों ना आप थोड़ा सा अपने आप को ध्यान दे दो। चलो तो जी आज का दिन करती हूँ मैं यहाँ पे खत्म, फिनिश, खलास दी। एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो अच्छी लगी तो उसको लाइक रखना, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना भूलना नहीं। तो दुआ में याद रखना, टाटा बाय, मैं शुभ कर दूंगी वाला, चिक 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 च